रूपेश पटेल द्वारा सोलो पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में किया गया। ये प्रदर्शनी 10 मई से लेकर 16 मई तक चलेगा। प्रदर्शनी की शुरुआत दीप प्रज्वलित और फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि नीलेश खरे, प्रशांत पालशेतकर, नीना रेगे, अजीत दादा पितले, सुधाकर पाटिल व भरत भाई छेड़ा व तमाम कलाकार मौजूद रहे। आपको बता दें कि रूपेश पाटिल द्वारा रस्टिस एल्टिस विषय पर आधारित बनाई गई पेंटिंग लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। वहीं रूपेश पाटिल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बिजनेस पर्सनल भरत भाई छेड़ा ने 2 पेंटिंग खरीदी। इसके अलावा लगातार लोग विजिट कर रहे हैं और पेंटिंग खरीद रहे हैं। वहीं रूपेश पाटिल ने बताया कि आज मेरा सपना पूरा हुआ, क्योंकि हर कलाकार का सपना होता है कि उसके द्वारा बनाई गई रस्टिस एंटिस विषय पर पेंटिंग की प्रदर्शनी एक बार नेहरू सेंटर में हो। वो मेरा विशेष आज पूरा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कितनी खुशी होती है कलाकार के लिए जब इस तरीके का पेंटिंग एग्जीबिशन लगता है और लोग उमड़ के आते हैं, उसको प्रशंसा होती है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी इस एग्जीबिशन को लेके, क्या खास बात है आज? आज खास बात ये है कि मेरा नेहरू सेंटर में ये पहला सोलो शो है। मैंने अभी तक एग्जीबिशन किए हैं, लेकिन ये बड़ा एग्जीबिशन क्या मेरा एक स्वप्न था, ड्रीम था कि मेरे को एक बड़ा एग्जीबिशन करना था। तो 2 साल पहले मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, उसी बात को सिलेक्शन के बाद मैंने ये काम किया कि चलो एग्जीबिशन करना है, तो इस हिसाब से मैंने काम शुरू करे। अलग अलग एरिया में जाके महाराष्ट्र के वहाँ पर पेंटिंग्स खुद बनाए। मैं ज़्यादातर आउटडोर पेंटिंग करता हूँ, और आउटडोर जाके वहाँ पे अलग अलग एरिया में पेंटिंग्स मैंने बनाए। और इसलिए मेरे जो फ्रेंड्स आर्टिस्ट है, जीतू आयकवाड़ सर है और जो मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड है अजीत दादा है, इन्होंने हम लोगों को वैस्पिट दिया मेरे को, और इस हिसाब से मैंने अलग 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 एरिया में जाके पेंटिंग्स बनाए और ये एग्जीबिशंस मेरे यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा ये इतने पेंटिंग्स का एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहा है। गेस्ट भी जो वीआईपी गेस्ट आए, उन्होंने भी पेंटिंग्स में को मेरे अप्रिसिएशन किया, वो अपना समय दे के यहाँ पे आ गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ एग्जीबिशन में, और लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछूंगा जरूर कि शुरुआत कैसे हुई इस पेंटिंग का, इस जर्नी का, जो यहाँ तक पहुँचे आप कैसे? पेंटिंग का मेरे को पहले से, मतलब बचपन से ही मेरे को, मतलब पेंटिंग लाइक करता था, मैं पेंटिंग बनाता था, तो कभी भी मन में नहीं आया इतना कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा इतना बड़ा। मतलब मैं काम करता हूँ एज अ टीचर, लेकिन पेंटिंग का जो फॉन्डा पार्ट, लेकिन मैंने जो पेंटिंग्स बनाना शुरू किया तो कभी भी थिंकिंग नहीं किया था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा, लेकिन मैं अभी भी छोटा आर्टिस्ट हूँ, इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और बहुत मेरे को काम करना है। तो बचपन से काम करता था, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे स्कूल के, वही बोलते थे कि तुम आर्टिस्ट बनोगे, लेकिन वो वक्त में समझ में नहीं आता था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगे कि नहीं, लेकिन जब काम शुरू हो गया, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिला, उस हिसाब से मेरे जो गुरु मिले मेरे को जगताप सर, उन्होंने मेरे को ये लाइन में लाया कि आर्ट में एग्जीबिशन करना ज़रूरी है, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है, पैशंस आते हैं, हैप्पीनेस मिलता है, इसलिए पेंटिंग्स में बनाता हूँ और एग्जीबिशंस में सिलेक्ट होता है, पेंटिंग सोल्ड होता है और अवार्ड्स भी मिलते हैं, तो इस तरीके से मैं आर्टिस्ट का काम करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चैलेंजेस आए जैसे अभी आपने जिक्र किया कि मैं पूछ रहा था होगा फिर नहीं होगा क्या होगा, चैलेंजेस क्या? चैलेंजेस ये था कि मेरा पूरा एकेडमिक एजुकेशन नहीं हुआ था, तो पेंटिंग कैसी होगी, क्या कलर स्कीम लेने का, ड्राइंग्स कैसी होगी, ये सब बात बहुत, मतलब डर लगता था कि ये पेंटिंग्स कैसे बनेंगी, क्या बोलेंगे लोग, डिस्प्ले होगी तो क्या होगा, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था। जब भी मेरा एग्जीबिशन था, मेरे सर बोलते थे मेरे को कि पेंटिंग्स लोगों ने देखना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना तो चाहिए, लेकिन उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, तो उसमें हम लोग को सीखने को मिलता है। जो जो आर्टिस्ट बड़े आते हैं वो काम देखते हैं, उससे हम बोलते कि ये काम ऐसा होना चाहिए था, तो वो काम बाद में नेक्स्ट एग्जीबिशन रहेगा तो उसमें हम लोगों को चेंजेस करना चाहिए। हर आर्टिस्ट मतलब जो जो आर्टिस्ट होते हैं उनका मिस्टेक तो रहता ही है, तो मिस्टेक सॉल्व करके नेक्स्ट वर्क अच्छा करना चाहिए, ये चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने वो भी स,
सब मतलब जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ मेरे जो फ्रेंड आर्टिस्ट हैं उनको दिखाता हूँ कि पेंटिंग बराबर है अच्छा है कि नहीं, वो उसमें मेरे को अच्छा तरीके से गाइडेंस करते हैं। बस आज की सबसे खास पेंटिंग सब अच्छे हैं लेकिन उसमें से अगर एक किसी का चर्चा करना हो और उसकी उसका जो बैकग्राउंड है किस थीम पर वो बना पेंटिंग है उसके बारे में चर्चा करना। हाँ, मेरे जो स्टार्ट की पेंटिंग से जहाँ पे मेरे को प्रफुल्ला डावनकर फाउंडेशन का अवार्ड मिला वो पेंटिंग मेरे को पहले से ही पसंद थी क्योंकि वो जो टोन जो फील लाना था मॉर्निंग का इसके लिए मैंने जो कलर सिलेक्ट किए वो डाले वो पेंटिंग मैंने अच्छा बनाया लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि ये मेरा नेशनल जो आर्टिस्ट है उसमें सिलेक्शन होगा। प्रफुल्ला डावनकर फाउंडेशन प्रेस्टिजियस अवार्ड है और वो प्रेस्टिजियस अवार्ड मेरे को मिला इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो पेंटिंग मैं बोलूँगा वो मेरा मास्टरपीस है। वो सोल्ड भी हो गया लेकिन वो पीस को मेरे को अवार्ड मिला 20,000 का तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज तक मेरे को इतने अवार्ड बड़े नहीं मिले लेकिन वो अवार्ड मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। इस फील्ड में किसी को रोल मॉडल मानते हैं जिससे कि आपको प्रेरणा मिले? वैसे तो सब आर्टिस्ट मेरे रोल मॉडल हैं, मैं एक पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले सकता लेकिन जो मेरे को फ्रेंड्स जो आर्टिस्ट है जैसे मेरे सामने बैठे जीतू वगैरह जो आर्टिस्ट जो कैसा है कि रोल मॉडल हम उनके जैसा नहीं बनना किसी मेरे को किस आर्टिस्ट के जैसा लेकिन उनके वर्क देख के मेरे को सीखने को मिलता है तो वो सीखूंगा मैं। बाकी सब आर्टिस्ट मेरे लिए रोल मॉडल है, मैं बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ इतना बड़ा नहीं हूँ। चलिए कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से कि कितने दिन का एग्जीबिशन है और हाँ आ जाता है और नहीं आता है। हाँ, जो जो मेरे फ्रेंड है जो मेरे रिलेटिव्स है या मेरे पेंटिंग जो देखते हैं सभी लोगों को मैं यहाँ इन्विटेशन फिर से देना चाहता हूँ कि मेरा एग्जीबिशन आज से मतलब 10 तारीख से 16 तारीख तक यहाँ पे चालू हो रहा है तो सब आप लोग मेरे एग्जीबिशन देखने के लिए यहाँ पे आ जाओ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आपका आपके आशीर्वाद और आपके विशेष मेरे साथ रहेंगे और आप सब मेरे एग्जीबिशन में आ जाओ ये मैं यहाँ पे कहूँगा। थैंक यू सो मच। इनका भी नाम है जितेंद्र गायकवाड़। रुपेश जी और मेरा परिचय लगभग 6 साल से है, तब से मैं रुपेश जी के मतलब सानिध्य में हूँ तो मैं देखता हूँ उन्होंने कोई पेंटिंग का कुछ प्रोफेशनली शिक्षा नहीं ली लेकिन उनका वर्क देख के आपको मतलब दर्शकों को और रसिकों को लगेगा कि ये कोई बहुत ही बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट है लेकिन काम देख के तो मुझे भी लगता है ये बहुत ही बड़े वैसे भी मन से भी बहुत बड़े आर्टिस्ट है और काम आप तो दर्शक देख और रसिक देख के बोलेंगे ये बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनके वर्क के बारे में मैं बोलूँगा कि आज के ज़माने में नेचर से रसिक या आर्टिस्ट थोड़े बहुत दूर जा रहे हैं। आप सभी पेंटिंग्स जो शो में है जो वो देखो रसिक देखेंगे तो पूरे एकदम कोकण और जो विलेज जैसा लाइफ है वहाँ से रिलेटेड ही है। तो मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा और जो कला रसिक है जो उन्हें मैं यही कहूँगा कि ऐसा जो एग्जीबिशन है वो मिस नहीं करना चाहिए। वो नेहरू सेंटर में आज तारीख है 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पोस्ट और जो कुछ वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने चाहिए रसिकों को और ये सभी रसिकों को देखना ही चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों बाद अच्छा कुछ गैलरी में मतलब नेहरू सेंटर गैलरी में अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, बस यही कहना चाहिए। अजय दादा नमस्कार। मैं अजीत पिटर, 6 साल से मेरा भी दोस्ती हो गया। हम लोग एक व्यासपीठ तैयार किया है कि ऐसे सब आर्टिस्ट लेके हम मुंबई में मतलब गाँव में जाके पेंटिंग्स करते हैं इनके जैसे ये जूतू है या ऐसे सब पेंटिंग कर और उनको व्यासपीठ देके कोकण क्या है ये दुनिया को बताना है। चलो फोटोग्राफ तो सब निकलते हैं लेकिन पेंटिंग से कोकण कैसा दिखता है ये बताने के लिए हम हर गांव में आते हैं, अलीबाग, गुहागर, चुपू ऐसे सब जगह जाते हैं। हम उन्होंने उनका बनाया पेंटिंग बना और दिया और हर आर्टिस्ट उसको ऐसा लगता है कि मेरा पेंटिंग का एग्जीबिशन नेहरू सेंटर या जहांगीर आर्ट। तो अभी उड़न से मुंबई आने का एक या दो घंटे का रास्ता है लेकिन ये जीवन सफर एक आर्टिस्ट के लिए गांव से लेकर यहाँ आने के लिए कितने सालों का रहता है क्योंकि आर्टिस्ट होके और एग्जीबिशन लगाने के लिए उसकी सोच कितनी बड़ी होनी चाहिए और उसका जो कष्ट है
उसने कर करने वो तो कितना बड़ा उनका, और इसका आज ये पूरा हो गया, सपना था रहते हैं और सपना पूरा हो गया, इसके लिए आगे भी उनको शुभकामनाएं कि आगे ही बढ़ते जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और रुपेश जी का आज यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है, कहाँ पे लगा है और क्या कुछ खास आज यहाँ पे देखने मिला आपको, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे रुपेश पाटिल जी? हाँ नमस्कार, मैं अर्जुन धाकू माचिवले, कला शिक्षक मुंबई, आणि आर्ट विजन आमचा जो ग्रुप आहे तर त्यामध्ये आमचे पाऊसकर सर आहेत, आमचे कदम सर आहेत, आम्ही सर्व कला शिक्षक आहोत। सर्वप्रथम या ठिकाणी मी रत्नागिरीतून खास प्रवास करून, आम्ही पाऊसकर सर आहेत किंवा मी आहे, रत्नागिरीतून ह्या रुपेश पाटील सर हे जे आर्टिस्ट आहेत यांच्या प्रेमापोटी आलेलो आहे। खूप छान ह्या त्यांच्या चित्रामधून जे रंग माध्यम आहे किंवा कोकणातली जी लाल माती आहे, बोटी आहेत, झाडं आहेत, जो निसर्ग आहे आपल्यातून रंगसंगतीमध्ये त्यांनी साकारलेला आहे। आणि मी रुपेश पाटील सर हे खूप मोठे आर्टिस्ट आहेत आणि त्यांना खूप खूप शुभेच्छा, एक मोठ्या लेवलला एक इंटरनॅशनल लेवल आर्टिस्ट होतील हे नक्कीच। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नेहरू सेंटर में मेरे दोस्त रुपेश जी पाटिल का जो लैंडस्केप रुस्टर विलेज एक खेड़ेगाँव एक सब्जेक्ट पे उन्होंने जो शो रखा है लैंडस्केप चित्रकला प्रदर्शनी, उनका काम देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि जो काम का जो दर्जा है एकदम हायर लेवल का काम है उनका, और उन्होंने देश विदेश में पेंटिंग बेची है। उनका सिर्फ शो है इसलिए मैं अपने सारे प्रोग्राम छोड़ के व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी यहाँ मैं उपस्थित रहा हूँ। सुबह 10 बजे से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मुझे मालूम है 12 बजे ओपनिंग है, फिर भी मैं 2 घंटे और जल्दी आया क्योंकि मुझे और अच्छे से एक एक पेंटिंग देख लूँ मैं उनका, क्योंकि जो पेंटिंग देख के उनका जो आनंद मिल रहा है पेंटिंग का वो मुझे बहुत खुशी, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। और ये जो रुपेश जी पाटिल जो है ये हमारे दोस्त हैं और उनका मैं नज़दीक से देखा है, और उनके शो के लिए उनके जो काम की जो तपस्या है काफ़ी सालों से मतलब मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसे कला रसिकों के लिए इनका अच्छा काम देखने मिलेगा भविष्य में भी, और ऐसी प्रगति करते रहे मेरा उनका शुभ आशीर्वाद हमेशा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, माझं स्काउटचं ट्रेनिंग होतं 7 दिवसाचं, पण रुपेश सरांना मी प्रॉमिस केलं होतं की मी तुमच्या उद्घाटनासाठी ना वेळ काढणारच, मग कितीही मला त्रास झाला तरी चालेल। आणि मी काल कोल्हापूरमधून संध्याकाळी आलो 5 वाजता आणि रात्री 7 वाजता माचिवडे सरांना घेण्यासाठी मी बाईकने त्यांच्या गावी गेलो रत्नागिरीतून 1 तास, परत आम्ही रात्री 10:30 रेल्वे स्टेशनला गेलो आणि असा आमचा प्रवास झाला केवळ रुपेश सरांसाठी। सुंदर अप्रतिम, म्हणजे त्यांचं मी नाव ऐकलं होतं पण प्रत्यक्षात त्यांची चित्र आज मी पाहतो, खरंच मन भारावून गेलं। आणि एक आर्टिस्ट म्हणजे काहीही त्यांच्याकडे नसताना डेव्हलप करणं म्हणजे साधी गोष्ट नव्हे, जे आजही काही कला शिक्षकांना जमलं नाही, हे कोर्स न घेता सरांनी आपली छाप उमटवलेली आहे। आणि खरंच मी त्यांना शुभेच्छा देतो की त्यांची अशी उत्तरोत्तर प्रगती चांगली व्हावं आणि होणारच, शंका नाही। धन्यवाद।